एक्टर सुनील दत्त जो कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सबसे दिग्गज एक्टरों में से एक थे, जो कि अब नहीं है। आपको बता दें कि इन्होंने एक समय पहले कई सारे दिग्गज कलाकारों की करियर को ऊपर उठाने की नाकाम कोशिश की थी। उनमें से एक कलाकार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का भी नाम सामने आता है। एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन जी को अपनी भारी आवाज के चलते कई जगह से रिजेक्शन मिलते थे, जिसके चलते एक बार सुनील दत्त ने अपने फिल्म रेशमा और शेरा में अमिताभ बच्चन जी को मौका दिया था, जिसमें अमिताभ बच्चन जी की भारी आवाज के चलते उन्हें गूंगे का रोल मिला था। लेकिन ये फिल्म फिर भी सफल नहीं हो पाई और ये फिल्म बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और उन्हें लाखों का नुकसान भी झेलना पड़ा। आप में से बहुत ही कमी लोग जानते होंगे कि संजय दत्त के पिताश्री यानी सुनील दत्त जो है वो एक अभिनेता के साथ साथ एक फिल्म निर्माता भी है। सुनील दत्त ने ऐसे कई सारे कलाकारों को ऊपर उठाने की कोशिश की जो कि आगे जाकर बहुत बड़े स्टार बने हैं। उनमें से एक शख्स जो कि जाना माना कॉमेडियन और अभिनेता जॉनी लीवर का नाम भी सामने आता है। एक समय ऐसा भी था कि जॉनी लीवर का हालत काफी ज्यादा खस्ता था और वो शराब की दुकान के बगल में अपने चने बेचते थे, लेकिन कहा जाता है कि सुनील दत्त साहब की कृपा इन पर ऐसी पड़ी कि इनकी जिंदगी ही सवर गई। जॉनी लीवर की अगर हम बात करें तो वो अपनी जिंदगी में सातवीं कक्षा के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी घर की आर्थिक हालत सही नहीं थी और अपने घर चलाने के लिए उन्हें सड़कों पर चने बेचने पड़ते थे। घर की हालत इतना खराब था कि पूरा घर का बागडोर उनके ही कंधों पर आ गया था। और साथ ही जॉनी लीवर एक बहुत ही अच्छे मिनिक्री आर्टिस्ट भी थे और उस समय वो मौजूदा कलाकारों की मिनिक्री काफी अच्छे से करते थे। ऐसे में जब सुनील दत्त साहब की एक नजर जॉनी लीवर पर पड़ी तब उन्होंने सोचा कि इसे एक मौका दे देना चाहिए। साफ शब्दों में कहे तो जॉनी लीवर एक ऐसे टैलेंट के साथ पैदा हुए थे जो केवल पहचानने की देरी थी। और एक बार एक स्टेज शो में जॉनी लीवर एक्टिंग कर रहे थे और उनकी एक्टिंग को देखकर सुनील दत्त साहब उन पर मोहित हो गए थे। उसके बाद बताया जाता है कि 1982 में आई फिल्म दर्द के रिश्ते में सुनील दत्त साहब ने जॉनी लीवर को अहम भूमिका में ऑफर किया था। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जॉनी लीवर फिल्मों में आने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में काफी ज्यादा तरक्की देखी और साथ ही उन्होंने कई सारे अहम फिल्मों का वो हिस्सा भी बने। और वो बात अलग है कि आज के वक्त पर जॉनी लीवर को ज्यादा फिल्मों में काम नहीं मिलता। खैर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।